कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको लेकर गए हैं एक नए जंगल सफारी के सफर में। पीछे मेरे देख रहे होंगे बेत के पेड़ लगे हुए और ये ढड्डी है चारों तरफ। इस ढड्डी में अजगर, मगरमच्छ, जो कि 5-5-6-6 कुंटल की जगह पे मगरमच्छ पाए जाते हैं, और मित्रों पाइथन, यहाँ का अगर पाइथन देखने को आज वीडियो में अगर मिलता है तो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। जो यहाँ के पाइथन होते हैं मित्रों, मेरी जो ये चेस्ट है इससे ज़्यादा मोटे मोटे होते हैं, और समथिंग उनकी हाइट होती है 15 से 16 फीट, और काफ़ी जंगली जानवरों से भरी हुई जगह है। यहाँ पे अगर मेनली मैं कहूँ, बंगाल टाइगर, चीते, भालू, और जंगल में जितने भी जानवर पाए जाते हैं मेनली सारे इस जगह पे जानवर हैं। मित्रों दोस्तों, ये जो जगह है इधर पे अधिकतर जंगली जानवर पानी पीने के लिए भी आते हैं। ये मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे गड्ढे, जो कि पड़ोस में हमारे सारदा डैम है। सारदा डैम से किसी भी समय यहाँ जानवर निकलते हैं। यहाँ देखेंगे तो ये किसी जंगली जानवर के द्वारा बनाई हुई चालकदमी है, और काफ़ी सारे मूवमेंट है इस जगह पे। और जंगल में आने के बाद में मित्रों बहुत सी चीज़ें, भोजन ना हो तो भी खाने को मिलती हैं। जैसे कि मेरे सामने बेत का पेड़ लगा हुआ है, और इस बेत के पेड़ में जो सबसे स्वादिष्ट एक तरह से फल होते हैं, थोड़े से काटे हैं इसमें, ये जो फल होते हैं मित्रों, आह मनमोहक, इन फलों में एक, मैं पास से दिखाता हूं आपको, इन फलों में एक अलग ही टेस्ट होता है जो हम बड़े बड़े होटलों में जाके खाते हैं, वो टेस्ट से कुछ हटके होता है। बेत के पेड़ से बने हुए फल थोड़े स्वाद में खट्टे वो मीठे होते हैं। जंगल का भी एक मनमोहक सा दृश्य जो आज इस कैमरे में कैद हो रहे हैं। काफी ही एक अलग लुक। और दोस्तों एक चीज मैं दिखाने चाहूंगा, इस जंगल का एक रहस्य जो अपने आप में ही एक अलग सा है। अगर ये तो नीचे दोस्तों दलदल है, ये देख रहे होंगे पीछे पूरे के पूरे घास है, पीछे पूरी की पूरी ये मित्रों घास और मिट्टी से बना हुआ है। बट इस जगह पे आप, अगर मैं इस कैमरे को जूम करता हूं और आपको दिखाता हूं, तो पानी निकल रहा है, क्योंकि ये जगह सारा आराम से लगी हुई है। और काफी ही, ये दिखाता हूँ इसको पास में ले जाके आपको, आप लोग मित्रों देख पा रहे होंगे किस जगह से पानी आ रहा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और इस जगह पे अगर मैं उतरता हूँ तो मैं कितने नीचे गड्ढे में घुसूंगा मुझे खुद नहीं पता है। और काफी ही मजेदार जगह लग रही है इस सफर में, आनंद भरा। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है, मैं उस जगह एक बार जरूर कर पाए। तो उस जगह नहीं जा पाएंगे, दलदल काफी है। सामने देख रहे होंगे पूरा एक अलग ही दृश्य जंगल का बना हुआ। और लेकर के चलते हैं मित्रों आगे टाइगर के घर में आपको। और ये जंगल अपने आप में ही बहुत हटके है, और मेरा मेन मकसद इस नेचर से मिलाने का है मित्रों आपको। एंजॉय द वीडियो। अगर वीडियो में आपको अच्छा लगता है खतरनाक भाई के साथ में, तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक जरूर करें। यहाँ पे लोग आया करते थे अपनी बकरियों गाय को लेकर के, लेकिन जब से टाइगर ने
और यहाँ पे एक छोटी बिल्ली नस्ल की जानवर पाया जाता है जो बकरियों को बहुत जल्दी मार देता है। इस वजह से यहाँ पे लोगों ने अपने जानवरों को लाना बंद कर दिया है। चिड़ियों की चहचहाट प्रॉपर आ रही होगी, देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है इस जगह पे देखते हुए जैसे जंगली जानवर ने यहाँ शिकार कर रखा हो, टाइगर ने या किसी चीज़। और आगे जंगल काफ़ी ही घना होते जा रहा है दोस्तों, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। आप इस जगह को देख सकते होंगे दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड की खूबसूरती है। मित्रों ये हमारे उत्तराखंड की खूबसूरती है, और कभी भी आपको लगता है इस खूबसूरती से मिलने के लिए तो जरूर आइए, विद फैमिली आइए, विद फ्रेंड आइए। और आगे लेकर के चलते हैं आपको इस खूबसूरती से मिलाने के लिए। सामने एक तरह से बिल्कुल खाई है, और ये पूरा क्षेत्र गज्जर है, गज्जर कहा जाए तो दलदल से भरा हुआ। और एक अलग सा ही साउंड इस जंगल में आता हुआ जो कि काफी ही ज्यादा मनमोहक हो रहा है दोस्तों। इस जंगल में जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आनंद आ रहे हैं, क्योंकि जंगल का प्यार हमारा बचपन से ही रहा है। और खाइयों से भरा हुआ सेम दलदल दलदल भरा हुआ है जंगल, काफी अच्छा मनमोहक सा दृश्य जो आज हमारे बीच में कैमरे के माध्यम से आपसे साथ में साझा करते हुए हम। हमारे उत्तराखंड में जो एक तरह से खूबसूरती से बने हुए ये जंगल है, इसमें जो मूवी देखी होगी आपने टार्जन, वो टार्जन की तरह मित्रों ये रस्सी भी पाई जाती है जो झूला झूलने के लिए बिल्कुल टार्जन जैसा काम करती है। मजे आते हैं इसमें घूमने में। ये भाई पूरा मजा ले रहा हूं मैं तो जंगल का, और लेना भी चाहिए क्योंकि जंगल सफारी ये बिल्कुल अलग है। और ऐसे मजे भाई दिल्ली मुंबई में नहीं आते जो हमारे उत्तराखंड में आते हैं, उत्तराखंड के जंगलों में। और आगे लेकर के चलते हैं पड़ोस में मेरे, अगर मैं दिखाता हूँ आपको तो एक गांव भी है जो कि हमारे उत्तराखंड में पड़ता है, एक तरह से टाइगरों के घर पे। देख रहे होंगे बिल्कुल पहाड़ों जैसा सीन हो रहा है यहाँ पे, और मजे आ रहे हैं भाई जंगल में आते एक अलग ही जादू आ जाता है बॉडी में। इसलिए मैं पीछे होते होते नहीं जा सकता हूँ, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आगे जाइए, आप भी आगे आ जाओ, थोड़ा पास में ही रहना, थोड़ा पास में ही रहना। हाँ तो भाइयों इस जंगल सफारी में पहाड़ों की तरह ट्रैकिंग करते हुए जो कि एक मनमोहन सा दृश्य हो रहा है, और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं टाइगर ग्रास के बीच में और टाइगरों के घर में जो कि काफ़ी ही खतरनाक पल आने वाला है बहुत जल्दी। कि गांव की साइड की भैंस को जो शेर ले गया था उसकी हड्डियां कैसी हो रखी हैं पूरी की पूरी, खा करके छोड़ देते हैं और हड्डियां हैं पूरी की पूरी बची हुई, बाकी का सारा का सारा इसका मांस शेर खा चुका है। अभी जंगल सफारी काफ़ी भयानक रूप लेकर जा रही है। और इधर पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये जो चीज़ें करी हुई हैं ये जंगली सुअर ने कर रखी है यहाँ पे,
क्योंकि जंगली सुअर एक बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं। ये देख सकते हैं आप, शेर ने जितने भी इसका मांस था वो सारा खा लिया है, सिर्फ हड्डी हड्डियाँ छोड़ रखी हैं। अब सफर एक नया ही रूप लेने जा रहे हैं इस बीच में, क्योंकि जंगल ये काफ़ी एडवेंचरों से भरा हुआ है। और देख रहे होंगे आप इस जंगल के बीच में जो ये एक तरह से रस्सी हैं वो अलग ही लुक ले रही हैं इस जगह का, और काफ़ी ही मनमोहक दृश्य होते जा रहा है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस जंगल को कितनी सारी इसमें एक तरह से अटकी हुई, जैसे हम रस्सियाँ टांगते हैं दीवारों में उस तरह से कुदरत के नज़ारे में जड़ें लग रखी हैं, सॉरी जड़ें मैं इनको नहीं कहूँगा, एक तरह से जटाएँ कहते हैं इसको हमारे इधर, जो कि पेड़ से निकलती हैं ये। और अब इस जंगल में आगे लेकर के चलते हैं आपको, और जंगल में आप जाएं भोजन ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि भोजन जंगल में आप कुछ भी नहीं लेके जाएंगे तभी भी आपको भोजन से भरपूर है भाई ये जंगल, इसमें हर चीज़ खाने को मिलते रहती है, जिसका आप टेस्ट थोड़ा साफ करके कभी भी ले सकते हैं। देख रहे हैं कमल के फूल जैसा इसका स्वाद आता है, थोड़ा खट्टा है लेकिन अच्छा है। और ऊपर हमारे प्रॉपर एक तरह से अगर हम कहें तो पूरा का पूरा टाइगरों का घर है। ये गलती आप ना करें, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस उस जगह पे हमें लेकर के जाते हैं, और हमारा जंगल का प्यार और अच्छा लगता है इस जंगल में आकर के, और आपको दिखाने में भी ये जंगल हमें बहुत प्यारा लगता है मित्रों। और अभी कुछ दिनों पहले यहाँ चीते ने एक इंसान के ऊपर अटैक भी किया था, जिसमें उन्हें काफी चोट लगी थी। देख रहे होंगे प्रॉपर एक तरह से जंगली जानवरों की चहलकदमी है यहाँ पे, और एक काफी सुंदर सा नजारा। इन जड़ों में मित्रों कभी भी सांप मिल सकता है, क्योंकि सांप जो होते हैं इन जगह पे बहुत कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते होंगे इस सफर में जंगली शेर के द्वारा मारे हुए, ये मेरे को देखने में ऐसा लग रहा है जैसे गाय या भैंस हो, क्योंकि ये दांतों से प्रतीक हो रहे हैं। और इससे आगे की वीडियो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट्स में आपको मिलेगी, तो चैनल में लग रहे हैं कॉन्सेप्ट में बताएं फर्स्ट पार्ट में आपको कैसे लगा है।